हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्म्स मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास ट्वेल्थ की जो आपकी इलेक्टिव बुक है क्लाइडोस्कोप उसके चैप्टर नंबर फाइव दाग्यूमेंटेटिव एंड के एम यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे पहले एनसीआर टी सोल्यूशन एक्सप्लेनेटरी वीडियो समरी सब मैंने आपको सेपरेटली रेडी करके दे दिया है अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से देख आइए ताकि आप इजिली फटाफट फटाफट मेरे सारे आंसर्स के मतलब क्वेश्चन के आंसर्स देने ओके सो लेट्स बिगिन विद आर फर्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द राइटर ऑफ़ द चैप्टर द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन ये जो हमारा चैप्टर है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन इसके राइटर लेखक कौन है आपके सामने फोर ऑप्शन गए हुए हैं और आपको जो लगता है ये सही ऑप्शन है या लगता है ये मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको करना है एक टिक मार्क ओके सो ऑप्शन नंबर ए जी बी शॉ बी आजाक एस एम ऑफ सी अमर त्य सेन या डी विक्रम सेठ तो अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखे या एक बार भी बुक अपनी खोल के देखी होगी सो विद इन अ आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो ऑप्शन नंबर सी अमरते हैं हाउ लॉन्ग डिड कृष्णा मेनन डिलीवर हिज स्पीच एट द यू एन अब कृष्णा मेनन कौन थे कृष्णा मेनन हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने यू में यानी यूनाइटेड नेशंस में नॉन स्टॉप कंटीन्यूसली डैश आवर्स डैश घंटों के लिए स्पीच दी थी कि इंडिया और कश्मीर का जो टॉपिक है इस बेसिस पे उन्होंने एक प्रॉपर एक स्पीच दी हुई थी येस yes, तो इससे ये पता चलता है कि इंडियंस में कितनी कैलिबर है आर्ग्यूमेंट करने की तर्क वितर्क रखने की क्वेश्चन करने की रीजनिंग इंटरेक्शन करने की ऑल दीज थिंग्स तो कितने घंटे के लिए कृष्णा मैनन ने कंटीन्यूअसली यूएन में स्पीच डिलीवर करी थी ऑप्शन है ए टेन आवर्स दस घंटे के लिए बी नाइन आवर्स सी फाइव आवर्स या डी एट आवर्स तो क्लियरली हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप अन इंटरप्टेड बिना रुके नाइन आवर्स के लिए उन्होंने स्पीच दी थी सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ मेनी टाइम्स इज द महाभारत लोंगर ओके अब होमर नाम के एक महान राइटर थे जिन्होंने दो बुक्स लिखी थी पहली थी एलेड और दूसरी थी ओडिसी ओके okay. इन्होंने सोचा था कि मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा सबसे लॉन्गेस्ट बुक्स होने का लेकिन हमारे हिंदुस्तान की रामायण और महाभारत अपने में इतनी लेंगदी है कि सिर्फ महाभारत अकेले ही इलियाड और ओडिसी को है, इलियाड और ओडिसी को जब आप जोड़ भी दोगे तो अकेले महाभारत ही सात गुना सेवन टाइम्स लेंगदी है इन दोनों बुक से तो होमर नाम के जो राइटर है वो भी ये रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाए सो so, कितने टाइम्स कितनी टाइम्स ये जो महाभारत है वो लेंगदी थी इलियाड एंड ओडिसी को साथ में रखने के बाद भी सो so, मैंने अभी भी बताया सेवन टाइम्स सो ऑप्शन है फाइव टाइम्स महाभारत देर वॉज अ टसल बिटवीन डैश एंड डैस ओके अब टसल का मतलब क्या होता है टसल मतलब बहस टसल मतलब दो लोगों के बीच में बहस हो रही है आर्ग्यूमेंट हो रहा है डिस्कशन हो रहा है ओके तो हमने ये जब लेसन पढ़ा था तो हमने पढ़ा है कि महाभारत जो हमारा महाकाव्य हमारी जो इंडियन एपिक है ये इसमें किन दो लोगों के बीच में टसल हो रही थी किन दो लोगों के बीच में बहस हो रही थी तो ऑप्शन देखते हैं ए कृष्ण और अर्जुन के बीच में बी अर्जुन और द्रौपदी के बीच में सी भीष्म और कृष्ण के बीच में या डी एकलव्य एंड द्रौपदी के बीच में अब डिस्कशन तो बहुत सारे लोगों के बीच में हो रहा होगा लेकिन हमारे लेसन के मुताबिक हमको बताना है कि किसके बीच में टसल यानी डिस्कशन बहसबाजी बहसबाजी हो रही थी सो ऑप्शन नंबर एक कृष्ण और अर्जुन इज़ द राइट ऑप्शन कृष्ण और अर्जुन के बीच में बहस हो रही थी कृष्ण कहते हैं कि अपनी ड्यूटी करते चलो कर्म करते चलो अगर आप जस्ट यानी सही रास्ते पे तो अपना कर्म करते चलो कॉन्सिक्वेंस के बारे में यानी रिजल्ट के बारे में मत सोचो लेकिन ऑन दी अदर हैंड अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं अपना कर्म करते चलू अपनी ड्यूटी पूरी करते चलूँ तो मुझे एक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने रिलेटिव अपने ही लोगों के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि कितना खून बहेगा कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे लड़ाई में युद्ध भूमि में तो क्या फिर भी मैं अपना कर्म करते चलूँ तो इस पर कृष्ण कहते हैं हाँ अगर आप सच के जस्ट यानी सही के रास्ते पर हो तो आप कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट के बारे में मत सोचो आप अपना कर्म करते चलो कीप डूइंग योर ओन ड्यूटी तो ये डिस्कशन था दोनों के बीच में सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वट वॉज कृष्णाज एम्फोसिस ऑन कृष्ण का किस बात पे एम्फोसिस था यानी वो किस बात पर जोर डाल रहे थे ए नॉट डूइंग वंस ड्यूटी क्या वो कह रहे थे अपनी ड्यूटी यानी अपना कर्म मत करो ऐसा कभी भी कृष्ण ने नहीं कहा थिंकिंग अबाउट द consequences ऑलवेज कृष्ण इस बात पे जोर डाल रहे थे कि कुछ भी करो कॉन्सिक्वेंस के बारे में यानी जो भी रिजल्ट होगा आपके आपकी ड्यूटी का उस पर हमेशा उस पर उसके बारे में हमेशा सोचो तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला जब तक आप सही रास्ते पर हो आप अपना कर्म करते चलो कॉन्सिक्वेंस के बारे में मत सोचना ये उन्होंने कहा था

स्टेटमेंट्स हैं कृष्ण की जो ये टीचिंग्स हैं जो भी उन्होंने आज तक भगवत गीता में जो उन्होंने सार दिए हैं ऑल दीज थिंग्स ये बड़े बड़े फॉरेन कमेंटेटर्स कमेंटेटर्स यानी जो कमेंट करते हैं किसी की बात पे कि हाँ ये लोग सही हैं ये गलत हैं यानी ये बात बहुत बढ़िया थी तो हमारे इंडियन जो एपिक्स हैं रामायण महाभारत में जो कृष्ण जी थे उनकी बातों पर जो बड़े बड़े फॉरेन के कमेंटेटर्स थे उन्होंने इंडोर्स किया जी की बातों को और फैलाया और बताया कि वो मॉरल पोजीशन पर है यानी वो कितने सही थे उनकी कही हुई बातें कितनी सही थी तो कौन से थे वो फॉरेन कमेंटेटर्स? उनके नाम हमें बताने तो ऑप्शंस हैं ए क्रिस्टफ़र आइशरवुड बी टी एस सी विल हैम वॉन हम या डी बोथ ए एन बी यानी ऑप्शन ए एन बी तो विलहम वॉन हम बोल्ट नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने नाइनटीन सेंचुरी में कहा था कि इन्होंने ये कहा था कि रामायण और महाभारत जो है सबसे ब्यूटिफुल चीज़ लिखी गई है इंडियन कल्चर में और किसी भी टंग में यानी किसी भी लैंग्वेज में इतना ख़ूबसूरत पोम इतनी ख़ूबसूरत फ़िलोसफिकल पोम कहीं नहीं लिखी गई है जितनी खूबसूरत रामायण और महाभारत है तो ये कमेंटेटर नहीं थे इन्होंने तो तारीफ करी थी तो विलहेम वॉन हमबोल्ट हो नहीं सकते डेफिनेटली क्रिस्ट क्रिस्टोफर आशर्व और टी एस एलियोर्ट थे जो फॉरेन कमेंटेटर्स थे और उन्होंने ही बहुत इंडोर्स uh, किया था कृष्ण की मॉरल पोजिशन को दैट मीन्स ए एन बी सही है विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एन बी इज द राइट ऑप्शन सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ए और बी तो सही है लेकिन वो दोनों कंबाइन करके ऑप्शन डी में दिए तो हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे ओके okay? नेक्स्ट हु ट्रांसलेटेड द गीता इन टू इंग्लिश किस राइटर ने गीता भगवद्गीता को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था यानी इंग्लिश में अनुवाद किया था तो ऑप्शन है ए मैक्स मुलो बी अमृत्य सेन सी टी एस एलियोट या डी क्रिस्टोफर आयशोवुड अमरत्य सेन तो हमारे राइटर हैं तो उन्होंने किया नहीं है मैक्स मोलर का कहीं पर नाम दिया नहीं गया है तो टी एस एलियोट हुए या क्रिस्टोफर आयरवुड हुए तो क्लियरली क्रिस्टोफर आयशरवुड थे टी एस ने तो अपनी पोम में जो उनकी लिखी गई कविता थी उसके अंदर उन्होंने महाभारत के बारे में कुछ लिखा था लेकिन इन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया था तो क्रिस्टोफर आइशरवुड वही कॉमेंटेटर है जिन्होंने ट्रांसलेशन भी किया सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट वर द जस्टिफिकेशन ऑफ जे रॉबर्ट ऑपनिम अब जे रॉबर्ट ओपन हीमर कौन है पहले ये समझो तो जे जब वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी तब एक अमेरिकन टीम बनाई गई थी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उस टीम के जो लीडर थे वो जे रॉबर्ट ओपन हीमर थे अब इन्होंने बॉम्ब बनाया और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसका कॉन्सिक्वेंस यानी जिसका रिजल्ट क्या निकला उस बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे गए वर्ल्ड वॉर के वन वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर यस लेकिन बाद में जब उनसे जस्टिफिकेशन मांगा गया कि भाई आपने ये जो बॉम्ब बनाया इससे बहुत सारे लोगों का नरसंहार हो गया यानी बहुत सारे लोग भारी मात्रा में मर गए तो उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया यानी अपने बचाव में क्या बोला तो इन्होंने अपने बचाव में एग्जाम्पल दिया इसी कृष्ण और अर्जुन की बात का उन्होंने कहा था कृष्ण ने कहा था कर्म करते चलो और कॉन्सिक्वेंस के बारे में मत सोचो अपनी ड्यूटी करते चलो और अर्जुन ने उनकी बात मानी थी और अर्जुन ने अपनी ड्यूटी करी अर्जुन ने लड़ाई लड़ी अपने ही रिलेटिव्स के खिलाफ और कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचा जिसमें भी बहुत सारे लोगों का खून बहा था उस वॉर में भी जो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी येस तो उन्होंने बींग अ फॉरिनर एक इंडियन एपिक महाभारत का एक जस्टिफिकेशन दिया कि जैसे अर्जुन ने अपना अपनी ड्यूटी करी और कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचा मैंने भी बॉम्ब बनाया और अपनी ड्यूटी करी कि मेरा काम था और फिर मैंने कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या होगा मैंने सिर्फ कृष्ण की बात कंसिडर करी और अपनी ड्यूटी करी तो मैं कहाँ गलत हूँ दैट मीन्स मैं गलत नहीं हूँ ये जस्टिफिकेशन दिया था जे रॉबर्ट ऑपन ने अब ऑप्शन देखते हैं तो हमें आंसर इजिली समझ में आ जाएगा ऑप्शन ए ही वॉज रिग्रेटफुल फॉर इज डूइंग्स तो जो रॉबर्ट ऑपिन हीमर थे वो बहुत रिग्रेटफुल थे जो भी उन्होंने किया बॉम्ब बनाया उसके बारे में उनको बहुत खेद था बहुत दुख था पहले दुख था लेकिन बाद में उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया जो मैंने आपको बताया तो ये तो नहीं हो सकता ही प्रेजेंटेड कृष्णाज टीचिंग्स उन्होंने अपने जस्टिफिकेशन में कृष्ण की जो टीचिंग्स थी कृष्ण ने जो सिखाया था कि अपनी ड्यूटी करो उसको प्रेजेंट किया कि मैंने इस वजह से ऐसा किया तो ये उन्होंने ऐसा किया था ही एस्केप्ड जब उनसे जस्टिफिकेशन मांगा गया तो वो भाग गए वहाँ से तो नहीं भागे वो डी नन ऑफ दब ऊपर दिया गया कोई भी ऑप्शन नहीं तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट सरोजनी नायडू वॉज इलेक्टेड डैश योज देन द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड इन द ब्रिटिश पोलिटिकल पार्टी अब हमारे हिंदुस्तान में ये अजम्शन है हम लोगों को ऐसा लगता है कि औरतों को कभी बोलने का या कभी राइट हक नहीं दिए गए आदमियों के कंपैरिजन में लेकिन ऐसा नहीं है सरोजनी नायडू फर्स्ट प्रेसिडेंट थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमन प्रेसिडेंट ओके और जब वो इंडिया में फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनी थी वो पता है कब बनी थी पचास साल पहले ब्रिटिश में यानी ब्रिटिश में जब पहली वुमन को इलेक्शन में खड़े होने का पार्लियामेंट में खड़े होने का अधिकार या राइट मिला गया था वो कौन थी वो मार्गरेट थैचर थी जब मार्गरेट थैचर ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी में उनको इलेक्शन का राइट मिला था उसके 50 साल पहले ही सरोजनी नायडू इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी उसमें फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बन चुकी थी यानी इससे ये समझ में आता है कि जो चीज़ पचास साल बाद फॉरेन में ब्रिटिश में हुई है उसके पहले ही हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे ऑब्वियसली वुमेन को बहुत सप्रेस किया गया हमेशा से यहां पर वुमेन को पार्लियामेंट में खड़े होने का राइट क्या उसको फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ही बना दिया ओके okay, तो सरोजनी नायडू कितने साल पहले ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी की वुमेन मार्गरेट थैचर से इलेक्ट हुई थी तो अभी भी मैंने बताया फिफ्टी ईयर्स पहले तो फर्स्ट ऑप्शन है फिफ्टी ईयर्स बी सिक्सटी ईयर्स सी सेवेंटी या डी एट्टी तो क्लियरली फिफ्टी ईयर्स सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट कैन वी अचीव ए मोर्टेलिटी थ्रू वेल्थ अकॉर्डिंग टू याजनवलक् अब याजनवलक् कौन है याजनवलक् का आपके चैप्टर में एग्जाम्पल दिया हुआ है ये एट्थ सेंचुरी के बहुत एक्सपर्ट स्कॉलर एंड टीचर रह चुके थे इन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं ओके okay? इनको बहुत ज्ञान था तो इनकी जो वाइफ थी मैत्रेय एक बार मैत्रेय ने वा, याजनवलक् से क्वेश्चन पूछा कि अगर इस पूरी दुनिया की वेल्थ पूरी दुनिया की संपत्ति पैसा धन दौलत मेरी हो जाए तो क्या मुझे इमोर्टैलिटी मिल सकती है क्या मैं उस पैसे की मदद से अमर हो सकती हूँ ताम्र जीवित रह सकती हूँ तो तब याजना वलक्के ने कहा था नहीं अगर इस पूरी दुनिया का पैसा रिचनेस वेल्थ तुम्हारी हो जाएगी तो उन रिच लोगों जैसी जो लाइफ है वो लाइफ तुम्हें मिल सकती है जब तक तुम जीवित हो तुम उनके जैसे आयुष आराम कर सकती हो उस पैसे का यूज़ कर सकती हो अपनी पूरी लाइफ लेकिन तब तक ही जब तक तुम्हारी लाइफ है उस पैसे तो तुम्हें इमोटैलिटी यानी अमरता जीवन दान का कोई तुम्हें वो नहीं मिलने वाला आशीर्वाद कि तुम लाइफ टाइम जीवित रहोगी तो क्या याद वलक्य के मुताबिक हमें अमरता मिल सकती है वेल्थ से पैसे धन दौलत की मदद से ऑप्शन है ए यस मिल सकती है बी नो बिल्कुल नहीं सी मे बी शायद या डी कांड से कह नहीं सकते तो क्लियरली उन्होंने कहा था नहीं ऐसा इम्पॉसिबल है सो so, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हु इंस्टीगेटेड युद्धिष्ठरा टू फाइट द बैटल अब युद्धिष्ठर जो थे उनको पांडवों और कौरवों के बीच की जो लड़ाई थी वो नहीं लड़नी थी जबकि तो उनका सब राजपाट सब छिन गया था ओके okay? फिर भी अपने दुश्मनों के खिलाफ उनको लड़ाई नहीं लड़नी थी वो तो अपना बस भगवान में अब हवन कुंड करने में ये सब में लगे रहते थे लेकिन युधिष्ठर को किसने इंस्टिगेट किया किसने उकसाया युधिष्ठर को कि लड़ो बैटल लड़ो तुम एक रॉयल पर्सन हो अपनी तलवार उठाओ अपना काम करो तुम एक वॉरियर हो ये सब बोल बोल के इस तरीके की बातें बोल बोल कर युधिष्ठर को किसने उकसाया कि इस बैटल को लड़ो इस युद्ध को लड़ो तो इस इस ऑप्शन देखते हैं ए कृष्ण ने बी अर्जुन ने सी द्रौपदी ने या डी ऑल ऑफ दबव ऊपर दिए गए सभी इंसानों ने तो क्लियरली जो युद्धिष्ठर की वाइफ थी द्रौपदी उन्होंने उनको उकसाया इंस्टिगेट किया कि लड़ो लड़ाई लड़ो तुम एक वॉरियर हो तुम एक योद्धा हो सो ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन और इससे हमें यह समझ में आता है कि एंशंट टाइम में पुराने ज़माने में भी विमेन यानी जब द्रौपदी की बात मानी गई द्रौपदी ने इंस्टिगेट किया तो युधिष्ठर ने भी लड़ाई लड़ी यानी औरत की बात मानी यानी तब से ही औरतों को भी क्या दिया गया है राइट दिया गया है आर्ग्यूमेंट करने का तर्क वितर्क करने का अपने पॉइंट को रखने का नेक्स्ट डिस्प्यूटेड इन एंशंट इंडिया बाय द मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन। अब पौराणिक काल में हिंदुस्तान में तो जो जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे यानी बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन थे और क्राफ्ट्समैन थे यानी जो अपने हाथों से हैंडमेड चीज़ें बनाते थे ये लोग काफ़ी पैसे वाले भी होते थे तो इन दो टाइप के इन दो ग्रुप ऑफ पीपल ने किससे डिस्प्यूट किया किससे लड़ाई करी तो इसकी जो स्टोरी है मैं आपको बताती हूँ पुराने ज़माने में जो ब्राह्मण्स होते थे ना उन उनका एक ऑर्थोडॉक्स बिलीव होता था ब्राह्मणों को लगता था कि हम सबसे टॉप क्लास हैं बाकी सब हमसे लोअर क्लास हैं हमें सबसे सब ज़्यादा ज्ञान है तो जितनी भी राइट्स थे फैसिलिटीज़ थे सारे हक थे वो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे डजेंट मैटर वो अमीर है कि गरीब लेकिन ब्राह्मण हो तो आपको सब मिलेगा तो इस बात से जो रिच पैसे वाले मर्चेंट्स थे क्राफ्ट्समैन थे जो दूसरे रिलीजन के लोग थे उन्होंने डिस्प्यूट करना यानी प्रोटेस्ट करना आंदोलन करना स्टार्ट किया कि भाई हम तो अमीर हैं हम तो सब राइट्स अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन फिर भी हमें वो हक क्यों नहीं दिया जा रहा तो इस वजह से मर्चेंट्स ने क्राफ्ट्समैन ने ब्राह्मण्स के अगेंस्ट डिस्प्यूट किया एंशेंट इंडिया में सो ऑप्शन हैं ब्राह्मण्स के लिए भी दलित्स के प्रति किया उन्होंने या सी जनरल क्लास लोगों के लिए या सिक्स पंजाबियों के लिए किया तो क्लियरली मैंने आपको बताया ब्राह्मण्स के लिए क्योंकि ब्राह्मण को ही टॉप लेवल माना जाता था सारे राइट उन्हीं को दिए जाते थे सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट ड्यू टू ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी विच टू रिलीजन वर स्प्रेड रैपिडली अब ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी क्या है ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी जो ब्राह्मणों की जो ऑर्थोडॉक्सी थी यानी पुरानी सोच थी कि हम टॉप लेवल पे हैं हम सबसे ज्ञानी हमें ही सारे राइट्स मिले जाएंगे हमें ही सारे हक मिले जाएंगे सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हमें ही मिले जाएंगे तो ये ब्राह्मंड की ऑर्थोडॉक्सी थी यानी इनकी पिछड़ी हुई सोच थी एंशंट इंडिया की बात कर रही हूँ मैं तो अब इसकी वजह से क्या हुआ जो क्राफ्ट्समैन थे जो मर्चेंट्स थे अलग अलग जो दूसरे थे वो गुस्से में आ गए डिस्प्यूट करने लगे उन्होंने आंदोलन किया तो उन्होंने कई सारे दूसरे रिलीजन्स स्प्रेड करना स्टार्ट किए अलग अलग दूसरे मेन दो रिलीजन बहुत तेज़ी से रैपिडली स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में और उनको भी टॉप लेवल में माना गया क्योंकि वो लोग भी काफ़ी नॉलेजेबल थे ब्राह्मण्स के टक्कर के थे तो ये कौन से दो रिलीजन थे जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी की वजह से फटाफट स्प्रेड हुए आंदोलन चला तो ये दो नए एक निकल के आए जो दो नए रिलिजन्स निकल गए तो कौन से थे वो दो रिलिजन्स? ए सिखिज़्म एंड जैनिज़्म सिखिज़म नहीं था लेकिन जैनिज़्म जरूर था लेकिन दो रिलीजन दोनों सही होने चाहिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा बी क्रिस्टिया क्रिस्टिया एंड हिंदुजम क्रिस्टानिटी नहीं था और हिंदुजम में तो ब्राह्मण ऑलरेडी था इसके खिलाफ दो अलग रिलीजन थे तो ये भी नहीं हो सकता जर्निज्म एंड बुद्धिज्म येस जर्निज्म था मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया और दूसरा था बुद्धिज्म तो जर्निज्म एंड बुद्धिज्म ये दो ऐसे रिलीजन थे जो रैपिडली स्प्रेड हुए ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी की वजह से इस्लाम नहीं हुआ था उस टाइम लेकिन बुद्धिज्म हुआ था लेकिन दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए इसलिए तो ये भी नहीं होगा स ऑप्शन नंबर सी जर्निज्म बुद्धिज्म इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एग्लेटेरियनिज्म अब आपके चैप्टर में एक टर्म है एग्लेटेरियनिज्म इसका मीनिंग आपको बताना है ये आ सकता है आपके एग्जाम में क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है फर्स्ट टाइम कई बच्चों ने सुना भी होगा तो ऑप्शन देख लेते हैं ए द बिलीव दैट पीपल डिजर्व राइट बेस्ड ऑन दस्ट क्या इस वर्ड का मीनिंग ये है ये मान्यता कि लोगों को उनके राइट्स मिलने चाहिए उनकी कास्ट के बेसिस पे कि आपकी अगर हायर कास्ट है तो आपको अच्छे हक मिलेंगे लोअर कास्ट है तो आपको आपके हक नहीं मिलेंगे कास्ट के बेसिस पे आपको राइट्स मिलेंगे अपने हक मिलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है द बिलीफ दैट ऑल पीपल डिजर्व इक्वल राइट्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ देर कास्ट कास्ट ये मान्यता कि सारे लोगों को इक्वल राइट right मिलेंगे डजेंट मैटर आप किस भी कास्ट के हो सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे यस yes, यही इसका मीनिंग है आगे और ऑप्शंस भी देख लेते हैं द बिलीव दैट ओनली मेल्स डिजर्व ऑल द राइट्स ये मान्यता कि सिर्फ आदमियों को ही सारे राइट्स मिलेंगे नहीं द बिलीव दैट ओनली फीमेल्स डिजर्व ऑल द राइट्स ये मान्यता कि सिर्फ औरतों को ही सारे राइट्स मिलेंगे तो नहीं ना सिर्फ औरतों को ना सिर्फ आदमियों को ना सिर्फ कास्ट के बेसिस पे बल्कि सभी को डजेंट मैटर कौन सी कास्ट के हो क्या आपका जेंडर है क्या आपका स्किन कलर है उससे कोई मैटर नहीं सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए इसी वर्ड का मीनिंग है एगलेटेरियनिज्म क्वेश्चन नेक्स्ट विच पिटफॉल्स आर टू बी अवॉर्टेड अकॉर्डिंग टू सेन ओके सेन मतलब यहाँ पे हमारे राइटर की बात हो रही है अमर सेन पिटफॉल्स का मतलब क्या है पिटफॉल्स का मतलब होता है डेंजर्स मुसीबतें तकलीफें डेंजर्स ओके okay? तो अमर तैन के मुताबिक कौन से डेंजर्स हम लोगों को अवॉइड करने चाहिए हम इंडियंस को ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है सो ऑप्शन देखते हैं ए दट डेमोक्रेसी इज़ अ गिफ्ट फ्राम वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इंडिया सिंपली एक्सेप्टेड इट एक पहला हम लोगों हम हिंदुस्तानों ने हिंदुस्तानियों ने अज्यूम कर लिया है एक एजम्पन रख लिया है कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी है ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये हमको वेस्टर्न वर्ल्ड से गिफ्ट के तौर पे मिली है यानी वेस्टर्न वर्ल्ड सौगात में हमको यूँ सिखा के चले गए और हम इंडियंस ने क्या किया आँख मूंद के सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये गलत है हम लोगों ने सौगात में गिफ्ट गिफ्ट में उनसे डेमोक्रेसी नहीं लिए हम लोगों ने सिर्फ उनसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं और अपनी डेमोक्रेसी खुद बनाई है तर्क वितर्क करके आर्ग्यूमेंट करके और सिंपली एक्सेप्ट नहीं करिए वेस्टर्न वर्ल्ड बोले तो ब्रिटिशर्स जब वो वो हमारे यहाँ राज करने आए थे हम पर तो हमने सिर्फ उनसे सीखा है उनसे एक्सपीरियंस उनसे अनुभव लिया है लेकिन उनसे गिफ्ट के तौर पे वो सौगात में हमें नहीं देखे गए और ना ही हमने सिंपली उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो यस ये एक डेंजर बहुत बड़ा डेंजर है जो हम हिंदुस्तानी सोच बैठे और अमृत सेन कहते हैं कि इसको अवॉइड करो तो यस ये वाला पॉइंट सही है और भी ऑप्शन देखते हैं दैट देर इज समथिंग यूनिक इन इंडियन हिस्ट्री दैट मेक्स द कंट्री ओनली सोचे टू डेमोक्रेसी हम इंडियंस को ऐसा लगता है कि हमारी हिंदुस्तानी इतिहास में कुछ ना कुछ यूनिक बात तो है जिस वजह से हम सिर्फ ओनली हम सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए ही सूटेड हैं यानी हमारे देश में सिर्फ डेमोक्रेसी ही सूट करती है अगर कोई डिफरेंट स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट या कुछ राज करने का कोई डिफरेंट स्टाइल हम अप्लाई करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं हमारी कंट्री में तो वो हमें सूट नहीं करेगा हमें सिर्फ डेमोक्रेसी ही चलेगी तो ये बहुत गलत है आज डेमोक्रेसी है कल थी आने वाले समय में डेमोक्रेसी चलेगी कि नहीं चलेगी हमें नहीं पता हम आंख मूंद के डेमोक्रेसी नहीं चला सकते उस टाइम पर यस और नो तो इस डेंजर को जो लोगों ने सोच बैठे हैं इसको अवॉइड करना पड़ेगा ओके okay? तो यस ये भी अमरत्य सैन ने अवॉइड करने के लिए कहा है सी बोथ ए एन बी दोनों ऑप्शन ए एन बी सही है तो यस ये बात सही है नीदर ए नॉर बी यानी ना ही ऑप्शन ए सही है ना ही ऑप्शन बी सही है तो ये तो गलत है क्यों क्योंकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों सही है विच मीन कॉम्बिनेशन में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन यस नेक्स्ट वॉट आर द मेजर इशूज सैन डिस्कस इन रिलेशन टू इंडियाज आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन ओके जो अमर्त्य सैन है वो कौन से मेजर इशूज कुछ मेन ऐसे इशूज है वो डिस्कस करते हैं चैप्टर में हमारे इंडिया के आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन के रिलेशन में यानी हमारे हिंदुस्तानियों में जो आर्गुमेंट करने की तर्क वितर्क करने का जो ट्रेडिशन है जो रीति रिवाज शुरू से है पौराणिक काल से है एंशंट टाइम से है इस रिलेशन में अमरत्य सेन कौन से मेजर इशूज़ पूरे लेसन में पूरे ऐसे में डिस्कस करते हैं ऑप्शन है ए द ट्रेडिशन ऑफ डायलॉग हैज़ ऑलवेज रिमेंड इन इंडिया एंड इज स्टिल रेलिफेंट कि जो जो ये ट्रेडिशन है, जो है, ये है, है, रीति रिवाज का, 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 यानी करने करने तर्क अपना रखने हमेशा से हिंदुस्तान में ज़माने से रहे, और आज भी है है अपनी के लिए। तो येस, ये एक major चीज़ उन्होंने डिस्कस की में। ऑप्शन बी दैट स्पाइट ऑफ डायलॉग रिमेनिंग मेल डोमेन इंडिया हैजनेस ग्रेट भले ही हमने पुराने जमाने में देखा है कि सिर्फ डायलॉग यानी बोलने का तर्क वितर्क करने का हक ज़्यादातर मेल्स के हाथ में था लेकिन फिर भी हमने इंडिया में ये चीज़ विटनेस करी है देखी गई है कि बड़ी बड़ी वुमेन डिबेटर्स हर फील्ड में थी उस जमाने में भी यानी बड़ी बड़ी औरतों ने जो काफ़ी डिबेट कर सकती जैसे सरोजनी नायडू बहुत सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की गार्गी का हमने एग्जाम्पल पढ़ा है द्रौपदी का हमने एग्जाम्पल पढ़ा है कि उसने युद्धिष्टर को किस तरीके से इंस्टिगेट किया उकसाया और फिर बैटल हुआ तो हमने तब से देखा है कि चाहे पॉलिटिक्स की फील्ड हो आर्ट की फील्ड हो कोई सी भी फील्ड हो उस टाइम पर भी जब मेल डोमेन ज्यादा था जब मेल को बोलने का हक ज्यादा था तभी भी औरतों ने बोला है डायलॉग दिया है यानी तर्क वितर्क किया है बीच में क्वेश्चन किया है तो यस ये चीज भी अमर्त्य सेन ने मेजर इशू डिस्कस किया है हमारे चैप्टर में ऑप्शन सी पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड हैव पार्टिसिपेटेड इन डायलॉग हमारी ऐसी मान्यता है कि लोअर क्लास को लोअर कास्ट को बोलने का हक कम दिया जाता है और अपर क्लास और अपर कास्ट जो है उनको हक़ ज़्यादा दिया जाता है लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब आप देखोगे कि सारे ही कास्ट और सारे ही क्लासेस के लोगों को डायलॉग में यानी बोलने के लिए अपना पॉइंट रखने के लिए क्वेश्चन करने में तर्क वितर्क करने में सब ने पार्टिसिपेट किया है सबको मौका दिया गया है तो यस ये एक चीज़ भी सैन ने डिस्कस करी है विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी

आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम अदर दैन दिस मैगनेट ब्रेन्स ने आपके लिए ई बुक्स भी निकाली हैं सो इफ यू वॉन्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म की लिंक गिवन है जस्ट विजिट दैट फॉर्म लिंक एंड आर टीम विल गेट बैक टू यू तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर